हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैटल इंडियन। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ दो एयरफोन को जो कि होती है MI कंपनी की तरफ से। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने दो बॉक्स रखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं ये MI का एयरफोन बेसिक एयरफोन जो आता है 399 का, यानी कि 400 का बेसिक एयरफोन आता है। वहीं राइट हैंड पे आप देख सकते हो जो कि MI का डुअल ड्राइव है जो कि 799 का आता है। इन दोनों में हम कंपेयर करने वाले हैं एग्जैक्ट कौन सी बेस्ट लीड होने वाली है। बिगर किसी देरी के मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूं एंड सबसे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अपना ये बॉक्स ओपन कर दिया है एंड लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो ये MI का जो बेसिक एयरफोन है जो ब्लू कलर का है ये वो है जो कि आता है 400 में। एंड वहीं राइट हैंड पे जो MI का ड्यूल ड्राइवर है जो कि 799 यानी कि 800 में आता है, ये वो चीज़ है। एंड सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये जो MI का जो एयरफोन है जो कि बेसिक है, इसका जो बैक साइड है ये मेटल का बना हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये मेटल का है। एंड वहीं आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये प्लास्टिक है, जैसे ही अगर ये रबड़ हटाते हो तो ये प्लास्टिक है। वहीं पे अगर आप MI का ड्यूल ड्राइव अगर आप देखते हैं तो सेम चीज़ होता है, ये भी आपका मेटल का, आपका बैक साइड आपको देखने को मिल जाएगा। एंड लेकिन आगे की साइड जो है वो प्लास्टिक का है, बट इसकी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन है वो डिफरेंट है जो कि MI का ड्यूल ड्राइव है। इसकी वायर है, सॉरी इसकी वायर क्वालिटी की जो बात करते हैं तो जो वायर क्वालिटी है दोस्तों, इसमें इन्होंने नॉर्मल जो रबड़ होता है वही इन्होंने यूज किया हुआ है। एंड सेम इसी तरह से मी कंपनी का जो ड्यूल ड्राइव है उसमें भी इन्होंने रबड़ ही यूज किया हुआ है, जो कि यहाँ तक इन्होंने इस जॉइंट तक इन्होंने क्या आते हैं रबड़ यूज किया है, जो कि एक बेसिक रबड़ है। एंड जैसे आप इसे प्रेस करते हैं तो ये पाइप वाले रबड़ है, आप अगर आप इसे दबाओगे तो ये प्रेस होगा, तो इसके अंदर वायर है, ठीक है। एंड बस इससे हल्का सा आई थिंक 1% या 2% बेस्ट होगा जो मी कंपनी का डुअल ड्राइव का जो एयरफोन है बेसिक से। एंड वहीं बात करते हैं इसके कंट्रोलर की, इसमें इस प्रकार का आपको बेसिक एयरफोन में आपको कंट्रोलर दिख जाएगा जिसमें कि ओनली फॉर वन बटन आपको दिया जाएगा। एंड इसका जो माइक है इसके अंदर एक्सटर्नल माइक इंटरनल माइक है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं डुअल ड्राइव की, अगर जो मेरा जो मी कंपनी का जो ड्यूल ड्राइव है इसके अंदर आपको जो कंट्रोलर है काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एंड ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको 3 बटन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1 2 3। इससे आपको साउंड क्वालिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन पिकअप कर सकते हैं, अगर आपका फ़ोन जेब में है तो भी आप इसे नॉर्मली यहाँ से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। हालाँकि फ़ोन जो है बेसिक से भी पिकअप कर सकते हैं, बट उसमें एक ही बटन दिया गया है एंड यहाँ पर आपको 3 बटन दिया गया है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का बना हुआ है, सेम जो MI कंपनी का जो बेसिक एयरफोन है ये भी आपका प्लास्टिक का ही बना हुआ है। एंड इसके बाद बात करते हैं इसके नीचे की वायर की, तो जो अगर आप नीचे की वायर देखेंगे तो ये भी एक रबड़ वायर है जो कि पाइप का एक वायर होता है पतला सा, वो इसमें यूज किया गया है। ये एंड तक आपका जो जैक है वहाँ तक इसका यूज किया गया है, सेम वायर इसमें यूज की गई है। बट अगर हम बात करते हैं ड्यूल ड्राइव की, तो ड्यूल ड्राइव का हालांकि ये इसके अंदर वो वायर नहीं है, इसमें एक फैब्रिक टाइप का वायर आता है। केबल काफ़ी मजबूत होती है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इस तरह की ये वायर आपको दिखेगी, तो काफ़ी मजबूत है ये। एंड ये जल्दी ब्रेक में नहीं होगी, अगर ये टूटेगी भी नहीं अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इसमें डिफरेंट है, इसकी ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। एंड वहीं इसके अगर हम जेक की बात करते हैं, जो मी कंपनी का ड्यूल ड्राइव है, कुछ एल साइप में आपका ये जेक आ जाएगा जो कि 3.5 mm के जेक में ये यूज होगा। एंड वहीं पे अगर हम बेसिक की बात करेंगे तो बेसिक का भी एल टाइप का है, बट इसकी जो डिजाइनिंग है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इस तरह का ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो बिल्ड क्वालिटी में भी जो मी कंपनी का जो ड्यूल ड्राइव है, हालांकि ये 800 आपसे ले रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है इसी बेसिक एयरफोन के अकॉर्डिंग। मोस्टली अगर आप बोलते हो कि 10 में से इसे कितने नंबर दिए जाए मी एंड ड्यूल ड्राइव को एंड बेसिक को कितने दिए जाए, तो इसमें मैं आपको 10 में से बेसिक एयरफोन को ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 4 से 5 के बीच में रेंज दे सकता हूँ। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ड्यूल ड्राइव की, तो इसमें से 10 में से हम 8 से 9 का जो नंबर है इसे हम दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी आप किस तरह से आप जज करते हो वो बात अलग है। एंड अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी की, इसके जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक एयरफोन की।
इसके अंदर आपको 10 mm का कहते हैं जो ड्राइव आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि साउंड क्वालिटी अगर आप ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं खेलते हैं, बस खाली नॉर्मली सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा लाउड सॉन्ग सुनना पसंद नहीं करते हैं, बेसिक एक तरह से कह लीजिए, अगर आप बेसिक पसंद करते हैं सुनना, तो ये उसके लिए ठीक है। बट अगर आप लाउड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं या गेमिंग वगैरह खेलना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आपको आई थिंक इतना हेल्प ये नहीं करेगा। वहीं बात करते हैं जो मी कंपनी का ड्यूल ड्राइव है, जो कि आपको इसका एक मैग्नेट पॉइंट, ये भी आपको मैं बताना भूल गया हूँ, इसकी आपको मैग्नेट के साथ आता है। वहीं इसका जो बेसिक है वो नॉर्मली है, उसमें कोई मैग्नेट नहीं है, हालांकि पीछे की स्टील की बॉडी है और मेटल की बॉडी है, बट ये मैग्नेट नहीं है। जो मी कंपनी का ड्यूल ड्राइव है ये मैग्नेट में है, क्योंकि जब आप इसे यूज नहीं करोगे तो इसे कनेक्ट करके इस तरह से आप नॉर्मली रख सकते हो, जिससे कि जो आपकी वायर है ये आपकी उलझती नहीं है, नॉर्मली ये सिंपल सीधी रहती है। वहीं पे अगर आप उसकी बात करोगे, जो बेसिक है ये बहुत जल्दी उलझ जाती है एंड काफ़ी इसका टूटने का भी प्रॉब्लम रहता है। तो इसकी जो वायर मैं आपको बता रहा था, वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जेक भी काफ़ी अच्छा है इसका। एंड अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की, इसके इस एयरफोन के अंदर आपको 10 इसके अंदर दो ड्राइव दिए गए हैं, जैसे कि इसका नाम है ड्यूल ड्राइव, तो इसके अंदर ड्यूल ड्राइव ही दिए गए हैं, एक 10 mm का है, एक 8 mm का है। नॉर्मली अगर आप देखते हो तो एक यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंड एक बैक साइड में आपको दिख जाएगा। तो इसमें जो 3D साउंड होता है, या आप हॉलीवुड वगैरह की मूवी आप देखना पसंद करते हैं, या 3D या 8D सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपको आवाज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों लीड होने वाली है दोस्तों। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एयरफोन परचेस करने का सोच रहे हैं, यदि आपका बजट 400 समथिंग है, तो अकॉर्डिंग टू मेरे को बेसिक जो एयरफोन है ये आप परचेस मत करना। 400 में काफ़ी अच्छे ऑप्शन आपको मिल देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर कुछ अमाउंट आप प्लस करके ये मी कंपनी का जो ड्यूल ड्राइव है ये आप परचेस कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको काफ़ी ऑफर चलता रहता है, बहुत से टाइम पे ये आपको 600 का भी मिल जाएगा। मैं आपको इसका जो बेस्ट बाय लिंक है दोनों का ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड अगर आप 400 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इससे अच्छा है कि आप रियलमी का एक एयरफोन आता है जो कि 500-600 के बीच में आएगा, तो वो आप जाके परचेस कर सकते हैं। नहीं तो आपका अगर 800 तक का बजट है, या आप इसे सर्च कर सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट पे ये ऑफर में चल रहा होता है जो कि 600 का होता है, तो ये एयरफोन आप परचेस कर सकते हैं बजाय बेसिक एयरफोन के। तो ड्यूल ड्राइव इसमें मेरी कोटिंग बेस्ट है, हालांकि प्राइस इसका ज़्यादा है, तो बेस्ट भी इसे ही होना चाहिए। तो कंपनी ने आपको साउंड क्वालिटी में भी बेहतर MI ड्यूल ड्राइव को दिया है, बिल्ड क्वालिटी में भी बेस्ट यही है। तो टोटली मिला के हम जो मी कंपनी का ड्यूल ड्राइव का जो एयरफोन है ये बेस्ट एयरफोन है बजाय बेसिक के। तो बेसिक में एक प्रॉब्लम और आ सकती है दोस्तों, ये जो इसकी जो वायर है दोस्तों, वायर आप देख सकते हो इसकी रबड़ की वायर है। एंड मैंने इससे पहले भी एक जो एयरफोन मैंने परचेस किया था, जो मी कंपनी का एयरफोन का बेसिक एयरफोन था, उसका मैं आपको वायर दिखा देता हूँ, काफ़ी पुरानी लीड हो चुकी है मेरी। एंड ये देखिए दोस्तों, ये उसकी एयरफोन मेरी, ये मी कंपनी की बेसिक एयरफोन है, ये देखिए दोस्तों ये टूट चुकी है मेरी, ये काफ़ी पुरानी एयरफोन है मेरी, जो कि यहाँ से भी काफ़ी टूट गई है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो बेसिक एयरफोन है ये परचेस मत करना, क्योंकि ये मेरा काफ़ी पुरानी एयरफोन थी, तो इसकी लेकिन इसकी वायर टूट गई थी, देन उसके बाद ये ख़राब हुई थी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मी कंपनी की जो ड्यूल ड्राइव की जो एयरफोन है, ये काफ़ी मजबूत है, ये जल्दी से नहीं टूटती है एंड काफ़ी लॉन्ग समय तक चलती है, एंड ना ही ये किसी प्रकार से उलझती भी नहीं, काफ़ी ईजी यूज करना है, मैग्नेट के साथ आती है, साउंड क्वालिटी, गेमिंग एयरफोन बेस्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप मी कंपनी का ड्यूल ड्राइव आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।